गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। एंड बहुत ही अनयूजुअल स्टार्ट है ये व्लॉग के लिए। मुझे लगा कि मैं कोई व्लॉग नहीं करने वाली हूँ बिकॉज आई एम वेरी वेरी बिजी सिंस 1.5 वीक्स नाउ। इतना ट्रैवलिंग हो रहा है ना, मतलब अक्रॉस वेस्ट बंगाल सब जगह घूम रही हूँ, एक्सटीरियर्स इंटीरियर्स। जस्ट अ सेकेंड। सो इतना काम और ऊपर से ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रहा है, बहुत ही वाहियात है ट्रैवलिंग। बिकॉज आई ओनली लाइक टू ट्रैवल इन फ्लाइट्स, दैट्स अ हॉरिबल थिंग। आई नो बहुत जन अग्री नहीं करेंगे, बट मुझे कंफर्टेबल लगता है। मुझे रोड ट्रिप्स भी नहीं पसंद है और ट्रेन जर्नीस तो दिमाग ख़राब हो जाता है। एंड इतना जो काम है ना, पूरा वर्क चल रहा है, जो कॉर्पोरेट्स हो रहा है, सब जगह ट्रेन से ही मैक्सिमम ट्रैवल करना पड़ रहा है। सो क्या बोलूँ मैं। देखो ये मेरा रूम है, मतलब ये मैं हूँ, ये मेरा रूम है और यहाँ पे हमारा इवेंट चल रहा है। सो गाइस, ये मैं हूँ और ये मेरा इवेंट है और यहाँ पे अभी पार्टी चल रहा था, अभी यही ट्रेन पे है। सो लेट मी शो यू माई रूम। दिस इज सिंकलेस बर्धमान एंड आज वलीमा के लिए आई हूँ। दिस इज माई रूम। अभी तो थोड़ा बहुत चिल करेंगे, उसके बाद शाम को इवेंट है, रेडी हो जाऊंगी। ये देखो, रुको। सो दिस इज़ द गॉर्जियस हाईवे व्यू, अमेजिंग सा रिसोर्ट है। दिस इज माई रूम एंड सी दिस इज व्हाट आई गॉट वेलकम के लिए। तो कैसे ले जाऊँ मुझे नहीं पता, बट आई लव फ्लावर्स। ये ऑर्किड्स है, थोड़ा बहुत लिलीज है एंड दिस इज द एंटायर बुके। एंड पर लेके जाऊँगी मैं, मुझे बहुत पसंद है। वैलेंटाइन्स में तो कुछ नहीं मिला पर इवेंट्स में मिल जाता है। दिस इज अमेजिंग रॉकिंग चेयर, तो मैं यही करूँगी जब तक लंच और जब तक मेरा लंच ऑर्डर किया हुआ है एंड आ जाएगा। एंड इवेंट है 6 बजे से है, सो 7 तो बज ही जाएगा। और मैं दिखाऊंगी आप लोग को आज थोड़ा बहुत ये पूरा वेन्यू घुमाऊंगी। सो इतना प्यारा वेन्यू है, नीचे पूल भी है, पर मुझे जाने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा, बहुत थकी हूँ। एंड आप लोग को पता है मुझे मॉर्निंग से सख्त नफरत है, मतलब सूर्यदेव सॉरी बट आई रियली डोंट लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग। सो इतने टाइम से मुझे सिर्फ 7:30-8 बजे ही उठना पड़ रहा है बिकॉज बाई 10:30 इवेंट स्टार्ट हो रहा है एंड ट्रैवलिंग में 1-1.5 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा भी लग रहा है। तो पर डे आई एम ट्रैवलिंग फॉर 4 or 5 hours, ऊपर से इवेंट, फिर मेकअप हेयर करके जाओ, फिर बकवास करो वहाँ पे जाके, डन। बट एक्चुअली बहुत लोग बोलते हैं कि नॉर्मल लाइफ नहीं है, नॉर्मल कुछ कर लो, डिग्री है तुम्हारे पास, ये सब क्यों करती हो, इंडस्ट्री इज़ एक्चुअली टायरिंग। बट अगर बोला जाएगा ना मुझे, आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस। लाइक आई विल डू एवरीथिंग टू बी इन दिस इंडस्ट्री एंड वर्क लाइक द वे आई एम वर्किंग, बिकॉज मुझे चीज़ से बहुत प्यार है, मुझे इस लाइफ से बहुत प्यार है। एंड आई वुडंट इवन थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग अदर देन दिस लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब तक है तो एंजॉय करो आप लोग। आप लोग भी व्लॉग्स देखिएगा और मेरा ट्रैवल व्लॉग्स तो चालू ही है, तो वो तो आप लोग बीच बीच में देखते ही रहोगे। प्लीज़ थोड़ा बहुत व्यूज़ दे दीजिएगा, लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज़ गो एंड हिट दैट लिंक डाउन बिलो। विजेता दास स्क्रीन पर भी रहेगा, फॉलो कर लो भाई, फॉलो कर लो। मुझे भी थोड़ा व्यूज़ दे दो, अच्छा वीडियोस बनाती हूँ मैं। लाइक ऐसा ना हो कि बहुत बाद में थोड़ा सा मेरा ब्लो अप हो जाए चैनल और आप लोग को पता होगा कि हाँ अच्छा वीडियोस तो बनाती है, कभी वीडियोस का व्यूज़ नहीं मिला है, तो वो मत करना। और आज तो देखते थोड़ा बहुत क्या करूँगी मैं। आई विल ड्रेस अप लाइक क्या बोलते हैं, मेरा फेवरेट क्या है बताओ मेरा फेवरेट कौन सा कल्चर है, तो मैं बिल्कुल वैसे ही ड्रेसअप करूँगी, आप लोग को दिखाऊंगी मैं। वो जैसे टिकटॉक में करता है ना 1, 2, 3, मैं ट्राई तो करती हूँ पर होता नहीं मेरे से, क्योंकि वो शूट करने के टाइम पे बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है, बट आई विल ट्राई डूइंग दैट। सो मैंने बोला था, खाने के लिए पूछा था कि आप क्या खाओगे, मैंने बोला कि राइस और चिकन टाइप का कुछ भेज देना, इन लोग ने क्या भेजा है देखोगे क्या भेजा। अभी टिकटॉक करके बेल बजा, रुको। कुछ मेरे अकेले के लिए। और आप लोग पूछते हो ना कि खाना कहाँ जाता है, मैं बहुत खाती हूँ, ट्रस्ट मी मैं बहुत खाती हूँ। आप लोग फूड ब्लॉग्स देखते होंगे मेरा कि खाना वगैरह खा लूँगी। और मेरे दिमाग में एक्चुअली आया था कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, मुझे बिरयानी चाहिए, बर्धमान आई हूँ तो बिरयानी तो बहुत फेमस है यहाँ पे, और देखो बिरयानी मिल गया। तो मेरी
मन की जो इच्छा होती है ना, तो वो ऊपर जो बैठा भगवान है ना उनसे मेरी सेटिंग है, वो सुन तो रहे वहाँ पे। तो मैं जो भी सोचती हूँ ना, बोलती कुछ और हूँ, पर जो सोचती हूँ ना, मैंने सोचा जो, तो वो मेरे को मिल जाता है। तो थैंक यू भगवान, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप लोग देखिए, मैं खाऊंगी, ठीक है, मैं खाऊंगी, आप लोग देख लेना, देख के खा महसूस कर लेना, नज़र लगाना है लगा दो, कुछ नहीं होगा बट एंजॉय द व्लॉग, पूरा व्लॉग देखिएगा, शाम को पूरा फंक्शन दिखाऊंगी एंड बाय बाय। सो वेट करो, मैं खा के रिव्यू बताती हूँ, रुको। जो टेस्ट है ना, वल्ला दिस इज एक्चुअली अ वलीमा टुडे। एंड जो बिरयानी का टेस्ट है, नीचे पूरा खाना बन रहा है, आप खा के समझ में आओगे कि क्यों मुगलाई खाने से मुझे इतना प्यार है एंड लोगों को भी बहुत प्यार है मुगलाई खाने से। द टेस्ट, जो भुना हुआ ऊपर से मसाला वगैरह डालते हैं ना, अमेजिंग है, जस्ट अमेजिंग है। मैं खा के मुझे मन करेगा मैं सो जाऊंगी यहाँ पे, क्या ही मैं काम करूँ बताओ, ऊपर से रेडी भी होना होगा। ये देखो, मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। अभी एक टाइमर छोड़ देती हूँ, लाइक 1, 2, 3, ऐसे ही आप देखोगे मुझे बिल्कुल फ्लिप ऑफ सेकेंड्स में तैयार। बहुत नीचे आ रहा है बिकॉज आई एम लाइक लिटरली आई फॉरगॉट टू कैरी माई क्लिप्स एंड यहाँ पे कहीं नहीं है, भीड़ होना स्टार्ट हो गया। सो दिस इज द स्टेज एंड आई एम ऑल सेट। मैंने आप लोगों को बोला था ना, यू चेंज हो जाएगा, आई विश इतना जल्दी हो जाता, बट देखिए दिस इज माई OOTD, मैं दिखाती हूँ, बाय बाय। This is the gorgeous venue, you can see. It's like a dreamy entry and this is my OOTD. मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है पहले, दो बार पहना है। I love love this outfit. थोड़ा बहुत ठीक हुआ है मेरा मांग, ठीक है। You can see पीछे पूरा venue है, बहुत amazing से डेकोर है। एंड मैं किसी को ढूंढ रही हूँ कि मेरा कोई रील्स बना दे, पर है ही नहीं यहाँ पे कोई, सो मुझे खुद को ही बनाना होगा। एंड दिस इज हाउ इट एंटर्स लाइक दिस। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड इवेंट स्टार्ट होने में अभी भी हाफ एन आवर बाकी है, सो मैं बस यहीं पे घूम रही हूँ, चक्कर मार रही हूँ कि शायद कहीं से मुझे कोई फोटो वीडियो कुछ भी मिल जाए। बट ये देखो सेटअप, बट आई डोंट थिंक सो, ज़्यादा होप्स है बिकॉज अकेले आने का यही डिसएडवांटेज होता है कि नो मैटर आप कितने भी तैयार हो, कोई फ़ोटो लेने वाला नहीं है। और स्टेज का फोटो मुझे चाहिए नहीं, मुझे ये सेटअप के साथ चाहिए था। चुकी हूँ, एक इंस्टाग्राम पे है, एक फेसबुक पे है, दोनों ही मेरे नाम से, विजेता दास। आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो ये व्लॉग जब जाएगा उसके बाद, बिकॉज यहाँ पे देना पॉसिबल नहीं होगा लाइव एंड ऑल दैट। सो यू कैन सी कि क्या चल रहा था फंक्शन। तो मेरे पीछे जो अमेजिंग सा सेटअप है, मैं कब से ट्राई करी थी मुझे थोड़ा बहुत स्लोमो मिल जाएगी, दिस इज गॉर्जियस। मैंने
एक्चुअली सेटिंग क्या है फोटोग्राफर के साथ कि वो मुझे वीडियोस बना के देगा, तो जैसे ही वो आता है मुझे मिल जाएगा ये शॉट्स एंड मैं होपफुली इसमें डाल दूंगी या इसमें एंड चलेगा अभी फंक्शन एक डेढ़ घंटा और चलेगा, उसके बाद डिनर करके थोड़ा सा चेंज वेंज करके सीधा हेड बैक होम, बहुत रात को निकलूंगी यहाँ से। सी वी डाई फॉर अप्रिसिएशंस बिकॉज काम अगर पसंद ना आए तो काम करने का फायदा नहीं आता है एंड वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। मैं आपसे बात करते करते अभी जो क्लाइंट्स थे उनके कुछ गेस्ट जाते जाते बोल के गए, आप लोग ने देखा है वीडियो में, सो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डाई फॉर। एंड अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो। एंड लोग मुझे देख के घूर रहे कि मैं कैमरा से बात क्यों कर रही हूँ, कुछ भी नहीं है कैमरा से बात कर रही हूँ, सो इन लोगों को क्या ही पता मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। यू नो द ड्रिल राइट, यू नो द ड्रिल। मैं सेटअप दिखाती हूँ, अमेजिंग सेटअप है, लाइक आई लिटरली इन लव विद द सेटअप्स। अभी तो ये बंद हो चुका है, मैं फोटोज लेने का ट्राई करती हूँ, ठीक है।